हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो कई सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप जब हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो फिल हो जा रहा है तो फिर उसको हम निकालेंगे कैसे, उसको खाली कैसे करेंगे। तो गाइस, ये करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लगता है कि 10 से 12 घंटे हो गए हैं और अब इसको हमें खाली करना है, तो खाली करने के लिए आप इजीली टॉयलेट में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से एक टेल होती है इसके नीचे। इस टेल को हमें पकड़ना है और इस तरह से बहुत इजीली केयरफुली इसको निकाल देना है। ऐसे करके आप इसको निकालिएगा तो ये टेल के साथ ये बाहर आ जाएगा और फिर इसको आप इस तरह से गिरा करके खाली कर सकते हैं। और खाली करने के बाद बहुत आसान है इसको वॉश करना। आप नॉर्मल पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं और तीन चार महीने यूज़ करने के बाद इसको चाहिए तो आप गर्म पानी में भी इसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इसको वॉश करने के लिए आप कोई भी इंटीमेट वॉश जो आप वजीना साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ गाइज ये टेल दी होती है, आप इसको टेल को थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको लगता है कि ये आपको अनकम्फर्ट दे रहा है तो थोड़ी सी इसको कट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि किन किन लोग ये इसको यूज़ करते हैं। अभी मेरे पास हाल ही में एक पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि मैं लड़की हूँ तो क्या लड़कियाँ इसको यूज़ कर सकती हैं। तो गाइज, चाहे लड़की हो चाहे वेमेंस हो, जो मतलब मैरिड हैं अनमैरिड हैं, दोनों ही इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन देगा या ऐसा कुछ भी आपको नहीं होगा। हाँ, एक दो बार यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होगी ये ज़रूर कहूँगी, लेकिन जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो सही हो जाता है। अच्छे मटेरियल का आप लीजिए, सिलिकॉन अच्छा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती है बाय।